आप सबको जय मसीह की। और आज की शाम फिर से हमारे इस बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है, और खास रीति से हमारे लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया की ओर से मैं उन सबका स्वागत करना चाहता हूं जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे इस बाइबल अध्ययन में हमसे जुड़े हुए हैं। और आइए, जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है, हम सबको पता है कि यहूदा की पत्री पर हम कुछ समय के लिए अपने अध्ययन को रखे हुए हैं, और पिछले सप्ताह हमने यहूदा की पत्री से अपने अध्ययन को 11वें वचन में समाप्त किया, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 11वें वचन में यहूदा किन लोगों के इन झूठे शिक्षकों, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में तीन उदाहरणों को पुराने नियम से देता है। और वो तीन उदाहरणों में पहला उदाहरण वो देता है कैन का, दूसरा वो देता है बिलाम का, और तीसरा उदाहरण वो देता है कोरा का। और कैसे इन तीन प्रकार के लोगों ने पुराने नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, किस प्रकार से उन्होंने गलत चीज़ों को किया, और किस प्रकार से परमेश्वर का क्रोध और न्याय उनके जीवनों पर उतरा। तो उस प्रकार से मेरे प्रियो, आज की शाम आइए हम अपने बाइबल अध्ययन में बढ़ेंगे आगे। और आज की शाम मेरी कोशिश ये रहेगी कि यहूदा की पत्री को हम यहाँ पर उसके पूरे अध्ययन को समाप्त करने पाएं। इसलिए आज की शाम मैं चाहता हूँ अगर आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे हैं तो कृपया लिखते रहिए, और किसी भी सवाल अगर आपके मन में उठता है इस पत्री को लेकर आप बिल्कुल एक कमेंट का जो क्षेत्र है उसमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है उस पर एक मैसेज के द्वारा डालकर आप हमसे उन सवालों को पूछ सकते हैं। और हमारी कलीसिया के लोग, आप बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं, आप आ करके मुझसे व्यक्तिगत रूप से उन सवालों को पूछ सकते हैं। आइए आज की शाम हम अपने बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे यहूदा की पत्री उसके 12वें वचन से। और जैसा हम सब जानते हैं ये बाइबल में सबसे छोटा पत्री है और इसमें सिर्फ 25 वचन मौजूद हैं। 12वें वचन की ओर आज की शाम हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छुपी हुई चट्टान सरीके हैं, और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखाड़े गए हैं। मेरे प्रियो, 12वें अध्याय में यहूदा अपनी पत्री में 12वें वचन में, क्षमा करिएगा, 12वां और 13वें वचन में बात करता है इन लोगों की। ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ताओं के दुष्टता के विषय में वो कुछ उदाहरणों को देता है। 12वें और 13वें वचन में, मैं एक बार फिर से बता दूं, यहूदा 12वें और 13वें वचन में इन झूठे शिक्षक, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में कुछ उदाहरणों को फिर से वो देता है। और हम 12वां वचन अभी हमने पढ़ा, मैं 13वां वचन भी हमारे लिए पढ़ देता हूँ। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, ये दावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। तो मेरे प्रियो, 12वें और 13वें वचन में यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों के विषय में, या उनकी चरित्रहीनता को दिखाने के लिए, या उनकी दुष्टता को दिखाने के लिए कुछ उदाहरणों का प्रयोग करता है 12वें और 13वें वचन में। अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूँ हमारे कुछ भाइयों और बहनों के लिए जो अंग्रेजी, जिनके लिए, जिनको अंग्रेजी उनके लिए एक ठीक माध्यम है। इस प्रकार लिखा है, दीज आर स्पॉट्स इन योर लव फीट्स वाइल दे फीस्ट विद यू विदाउट फियर सर्विंग ओनली अमंग देमसेल्व्स। दे आर क्लाउड्स विदाउट वाटर कैरीड अबाउट बाय द विंड्स, लेट ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट ट्वाइस दैट पुल्ड अप बाय द रूट्स, रेजिंग वेव्स ऑफ द सी फोमिंग अप देयर ओन शेम, wandering stars for whom is reserved the blackness of darkness forever। तो मेरे प्रियो, आइए हम इसके अध्ययन में बढ़ेंगे। पहले 12वें वचन में यहूदा इस प्रकार कहता है, अंग्रेजी में लिखा है, spots in your love feast, हिंदी में लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ साथ खाते पीते हैं और समुद्र में छुपी हुई चट्टान के सरीखे हैं। अंग्रेजी में लिखा है, they are spots in your love feast। अब मेरे प्रियो, जैसा कम्युनियन हम लोग जो प्रभु मेज मनाते हैं, आज दिनों में हम लोग देखते हैं, एक रोटी के छोटे से टुकड़े को हम लेते हैं और एक छोटे से प्याले को लेते हैं, एक साथ मिलकर एक सहभागिता, एक संगति होते हुए हम उसमें सहभागिता करते हैं। लेकिन उन दिनों में, यीशु मसीह के समय में, जब ये
कम्युनियन जिसको हम लोग प्रभु मेज कहते हैं, इस सभा को प्रेम की सभा कहा जाता था। और इसमें होता क्या था कि सब लोग अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना, जो कुछ वो सबसे उत्तम लेकर के आ सकते थे वो थोड़ा थोड़ा लेकर के आते थे। आधुनिक दिनों में, आज के दिनों में क्या होता है, हम कई बार कलीसियाओं में या सभाओं में पॉटलक करते हैं। पॉटलक का क्या मतलब है, हर कोई थोड़ा थोड़ा खाना जो सबसे अच्छा वो बना सकता है लेकर के आता है, ताकि सब एक साथ मिलकर खाने में सहभागिता और संगति कर सके। तो उन दिनों में, यानी यीशु मसीह के या पहली सदी में कलीसिया का जो प्रेम सभाएं होती थी वो कम्युनियन सभाएं हुआ करती थी, या प्रभु मेज की सभाएं हुआ करती थी। वो कम्युनियन या प्रभु मेज कैसे मनाते थे, हर कोई अपने घर से थोड़ा थोड़ा खाना जो सबसे अच्छा वो ला सकता था वो ले करके आते थे, और एक साथ मिलकर रोटी तोड़ते और खाते थे, और इस तरीके से वो एक देह में खुद को पहचानते थे, मेरे प्रियो। लेकिन यहूदा कह रहा है यहाँ 12वें वचन में, वो कहता है कि भाई ये लोग, यानी ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये कौन है, ये लोग हैं जो तुम्हारी प्रेम सभाओं में, यानी तुम्हारी कम्युनियन सर्विसेज में, या तुम्हारे संगति या रोटी तोड़ने और पीने में, ये सिर्फ अपने आप की सेवा करने के लिए आते हैं, अपने पेट की सेवा करने के लिए आते हैं। They ate greatly a love feast while others went hungry. और ये करते क्या है, ये पेट भर के खाते हैं जबकि दूसरे जो है वो भूखे रह जाते हैं। और इसी बात को अगर आप देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में मेरे प्रियो पौलुस भी कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है। He says in English, don't you have homes to eat? वो कहता है क्या तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए घर नहीं है, कि तुम प्रभु की देह को दूषित करते हो और न्याय को अपने ऊपर बुलाते हो। क्या रहा था मेरे प्रियो, हो रहा ये रहा था कि ये झूठे शिक्षक, ये भविष्यवक्ता इस प्रेम भोज में संगति करने के लिए आते थे लालच के साथ, और ये खाते चले जाएंगे जबकि दूसरे भूखे रह जाते थे। मेरे प्रियो, एट द एगापे फीस्ट एवरीबडी ब्रॉट व्हाट दे कुड, और इस प्रेम भोज में सब कोई जो कुछ वो ला सकते थे वो लेकर के आते थे। कोई थोड़ा लेकर के आता था, कोई ज़्यादा लेकर के आता था, लेकिन इसकी सुंदरता ये थी, भले ही कोई ज़्यादा लाए कोई थोड़ा लाए, लेकिन सब एक होकर हर एक चीज़ को बांटकर एक संग सहभागिता करते थे। लेकिन ये दुष्ट लोग, ये झूठे शिक्षक, ये भविष्यवक्ता एक स्वार्थी स्वभाव के संग कलीसिया के अंदर आते थे, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, ना कि दूसरों के संग संगति करने के लिए, सहभागिता उस प्रेम भोज में सहभागी बनने के लिए नहीं, लेकिन एक स्वार्थ के संग कि अपना पेट भरेंगे मेरे प्रियो। और इनका स्वार्थ ये था कि जैसे हम लोग कहते, कई लोग कलीसिया में आज के दिन किस स्वभाव के संग आते, ब्लेस मी एटीट्यूड, मुझे आशीषित करो, मुझे आशीष मिलनी चाहिए, यही इनका भी स्वभाव था, ब्लेस मी क्लब, कि मेरे को आशीष मिलनी चाहिए, मुझे खाना मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, इनके स्वार्थी स्वभाव ने उस प्रेम भोज की सहभागिता और संगति को दूषित कर दिया, और इसलिए यहूदा वहाँ पर एक उदाहरण को, इन लोगों की दुष्टता को बताने के लिए कई सारे उदाहरणों का प्रयोग करता है। आगे बढ़कर वो कहता है कि वो दाग हैं, दे आर स्पॉट्स, अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी में दे आर स्पॉट्स इन योर लव फीस्ट, ये तुम्हारे प्रेम भोजन में धब्बों के समान है। नाउ सम ग्रीक स्कॉलर्स थिंक दिस वर्ड शुड बी ट्रांसलेटेड एज हिडन रॉक्स इंस्टेड ऑफ स्पॉट्स। कई यूनानी जो धर्मशास्त्री हैं उनका मानना यह है कि धब्बों की जगह, दाग की जगह स्पॉट्स जो शब्द है, इसका सही अनुवाद है छुपे हुए पत्थर। जिस प्रकार हिंदी में लिखा हुआ यही चीज, हिंदी की बाइबल में क्या लिखा है, ये तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान के सरीके हैं, हिंदी में सही अनुवाद आया है। They are those hidden rocks inside the water ocean. आपको बताओ कि समुद्र में क्या होता है, आपको एक छोटा सा भाग पत्थर का ऊपर दिखाई देगा, लेकिन नीचे वो पूरा पूरा चट्टान होगी, है ना। तो वो जो कई सारे यूनानी जो धर्मशास्त्री, उनका कहना है स्पॉट्स की जगह, दाग की जगह जो सही शब्द है दाग को या धब्बों को दर्शाने के लिए, वो है छिपे हुए पत्थर। तो ये उन पत्थरों के समान है जो संगति में या सहभागिता में छिपे हुए हैं दूसरों के ठोकर का कारण बनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्वार्थी मन से संगति करने के लिए आते हैं।
इनका काम क्या, आगे बढ़कर वो क्या कहता है 12वें वचन में, सर्विंग ओनली देमसेल्व्स, वो अपनी सेवा करने के लिए आते हैं या करवाने के लिए आते हैं। मेरे प्रियो, दे कम ओनली टू बी सर्व्ड, नॉट टू बी सर्व, सर्विंग लिटरली इन द एशियंट ग्रीक दिस इज शेपर्डिंग देमसेल्व्स। पुरानी अगर यूनानी अनुवाद में इसको देखें तो इसका मतलब है शेपर्डिंग देमसेल्व्स, यानी अपने ही अपना ही रखवाली करने, अपने आप को सेवा करवाने के लिए ये आते हैं मेरे प्रियो। और यहूदा यहाँ पर कहता है कि हाँ ये चरवाहे हैं, लेकिन ऐसे चरवाहे जो अपनी ही चरवाहा, अपने आप को ही चराना चाहते हैं। देख रहे हैं मेरे प्रियो को क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है हाँ ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता खुद को जो चरवाहे कहते हैं, चरवाहे हैं, लेकिन ये ऐसे चरवाहे हैं जो खुद को चरवाना चाहते हैं। दे आर शेपर्ड्स बट ओनली शेपर्डिंग देमसेल्व्स, ये चरवाहे हैं लेकिन ये सिर्फ अपनों को ही, अपने आप को चरवाना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो कहता है कई और सारी उदाहरणों को वो देता है, वो कहता है आगे बढ़ करके, वे निर्जल बादल हैं, आगे लिखा है क्लाउड्स विदाउट वाटर कैरीड बाय द विंड्स, वे ऐसे बादल हैं जिसमें कोई पानी नहीं, जिनको हवा उड़ा ले जाती है। क्लाउड्स विदाउट वाटर आर गुड फॉर नथिंग, मेरे प्रियो अगर बादल हैं लेकिन उन बादलों में अगर पानी ना हो तो उनका क्या फायदा। कई बार हम देखते हैं बारिश के समय में हम इंतजार कर रहे होते हैं भीषण गर्मी में कि काश बारिश हो जाए, लेकिन बादल आते और चले जाते हैं बिना बारिश के, कितनी निराशा हमें होती है। तो अगर बादल है लेकिन उसमें पानी ना हो तो क्या फायदा है, किसी भी काम का वो बादल नहीं है। तो उसकी तुलना करता है यहूदा, इन बादलों की तुलना जिनमें कोई पानी नहीं है वो करता है किनसे, इन झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ताओं से। वो कहते हैं, वो यहूदा कहता है दे ब्रिंग नो लाइफ गिविंग रेन एंड दे ओनली ब्लॉक आउट द सन, यानी वो कहता है ये ऐसे बादल हैं जो कोई भी जीवन देने वाला पानी नहीं बरसाते, बल्कि जो सूर्य है, जो सूरज की रोशनी है, उसको भी ढकने की कोशिश करते हैं। दे एग्जिस्ट जस्ट फॉर themselves, वो कहना यह चाहता है कि ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता सिर्फ अपने आप के लिए ठहरे रहते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बने रहना चाहते हैं, और इसीलिए ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक उन बादलों के समान हैं जिनमें कोई पानी नहीं और जिन्हें हवा उड़ाए ले जाती है। मेरे प्रिय, उसके बाद वो एक और उदाहरण देता है, वो कहता है पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। वो कहता है ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता, दे आर लेट ऑटम ट्रीज विदाउट फ्रूट, ये पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। बाय लेट ऑटम ट्रीज शुड हैव फ्रूट, मेरे प्रियो यहां पर आपको समझना होगा कि पतझड़ के समय तक पेड़ में फल आ जाना चाहिए। बट दीज सर्टेन मैन डिड नॉट बेयर फ्रूट इवन वेन दे शुड बेयर, लेकिन यहूदा इन झूठे शिक्षकों और भविष्यवक्ताओं की तुलना उन निष्फल पेड़ों से कर रहा है जिनका पतझड़ का समय भी आ गया लेकिन उनमें अभी तक कोई फल नहीं है। यानी समय आ चुका है, समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों के जीवन से किसी भी प्रकार का फल नहीं दिखता। इंस्टेड ऑफ गिविंग दे वॉन्ट टू टेक, लाइक देने की बजाय वो लेने वाले पेड़ हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्रीज दैट आर फ्रूट बियरिंग्स, दे गिव देयर फ्रूट्स फॉर अदर्स टू ईट, दे देमसेल्व्स डू नॉट ईट द फ्रूट बट अदर्स ईट देयर फ्रूट, बट ट्रीज हु हैव नो फ्रूट दे हैव नथिंग टू ऑफर। सो जूड इज कंपेयरिंग दीज फॉल्स प्रॉफिट्स एंड टीचर्स विद लाइक लेट ऑटम ट्रीज हुज सीजन टू गिव फ्रूट्स हैज गॉन बट दे हैव नॉट गिवन एनी फ्रूट। मेरे प्रियो, यहूदा यहाँ पर इन झूठे शिक्षक, इन झूठे भविष्यवक्ताओं की तुलना उन पतझड़ के वृक्षों से करता है, पेड़ों से करता है जो निष्फल है, जिन्हें फल देना तो है लेकिन उनमें कोई फल नहीं है। इसकी बजाय वो फल दे, वो दूसरों से फल खाना चाहते हैं मेरे प्रियो।
इसके बाद वो एक और उदाहरण देता है इनकी दुष्टता, इनकी चरित्रहीनता को दिखाने के लिए। किनकी चरित्रहीनता और किनकी दुष्टता को दिखाने के लिए? झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकों की चरित्रहीनता और दुष्टता को दिखाने के लिए। एक और उदाहरण यहूदा देता है 13वें वचन में, वो कहता है ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। दे आर रेजिंग वेव्स ऑफ द सी। For modern man, the sea is often a thing of beauty. But to certain ancient men, especially in biblical culture, the sea was an unmanageable terror. आज के आधुनिक समय में जब हम समुद्र की बात करें तो हमारे लिए समुद्र सोचना या देखना बड़ा सुंदर का तरीका होता है, लेकिन उन दिनों में, पुराने समय में, अगर कोई समुद्र की बात करे या जो बाइबल की संस्कृति है, बाइबल के समय की अगर हम बात करें, उन दिनों में जो समुद्र होता था वो एक ऐसा भयानक, एक उसको एक भयानक उदाहरण माना जाता था, मेरे प्रियो, अगर आप समझेंगे इस बात को। तो इसलिए तो यहूदा इनकी तुलना करता है वैसे समुद्र की लहरों से जो सिर्फ फेन फेंकती हैं। क्या करती है वो? समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। तो यहूदा यहां पर इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों का तुलना उन प्रचंड लहरों से कर रहा है जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या? ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक, दे वर बिजी एंड एक्टिव लाइक वेव्स ऑफ द सी। ये बिजी थे और बड़े कार्यशील थे, जैसे समुद्र की लहरें हमेशा चलती रहती है, वैसे ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक बड़े बिजी रहते हैं, बड़े कार्यशील दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में इनके जीवनों से आता क्या है? वो लज्जा का फेन उछालते हैं, जैसे 13वें वचन में लिखा है। द फ्रूट ऑफ दीज मेन वर लाइक द फोम। जूड has in mind the ugly shoreline after a storm that has washed up all sort of dirt wood. Now, Yehuda ke dimag mein kya chal raha hai jab wo is prachand samudra ki leharon ka udharan yahan par deta hai? Wo kehta hai jab aap ya thoda sa sochiye, jab ek bada tufaan aata hai samudra mein to wo kya karta hai? Wo nuksan pahunchata hai logon ko, aur jo bhi cheeze, lakdi tukde logon ki, yahan tak kai bade bade tufaanon mein jab log mar jate hain doob kar, unki laashon ko, ghar के मलबे को, लकड़ियों को वो बहाकर कहां ले आता है? छोर पर ले आता है। तो यहूदा यहां पर एक ऐसी तुलना कर रहा है इन प्रचंड लहरों की इन झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षकों से, क्योंकि इनका काम क्या है? ये भी खाली उन प्रचंड लहरों की तरह, इनके पास दिखने के लिए ये बहुत बिजी हैं, दिखने के लिए ये बहुत कार्यशील है, ये चलते रहते हैं, काम करते, लेकिन अंत में होता क्या है? जिस प्रकार तूफान की लहरें अंत में नुकसान पहुंचाती हैं, ये भी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं और अंत में ये अपनी लज्जा के फेन को उछालते हैं। मेरे प्रियो, उसके बाद वो 13वें वचन में कहता है ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदाकाल का घोर अंधकार रखा गया है। वाह। They are wandering stars for whom the blackness of darkness is kept forever. ये उन तारों के समान है जो एकदम अचानक से चमकेंगे और फिर अचानक से गायब हो जाएंगे। मेरे प्रियो, उसकी तुलना उदाहरण दे रहा है यहूदा यहां पर, वो कहता है ये डावाडोल तारे हैं जो एक समय में दिखते चमकते, हाँ सबको बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन अचानक से ये गायब हो जाते हैं। और अचानक से गायब होने वाले तारे की आवश्यकता किसी को नहीं है, क्योंकि वो तारा ना तो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, ना तो किसी को दिशा दिखा सकता है। मेरे प्रियो, और इवन सो दिस डिसीवर्स वर यूजलेस एंड अनट्रस्टवर्थी। और इसीलिए यहूदा कहता है जिस प्रकार एक डावाडोल तारा अचानक से दिखेगा और गायब हो जाएगा, और इसीलिए वो ना तो किसी को दिशा दिखा सकता है, ना ही उसका किसी काम है, ना ही कोई उसका महत्व है, उसी प्रकार ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे भविष्यवक्ता और शिक्षक धोखेबाज हैं और इनका कोई उपयोग नहीं है, ये किसी भी भरोसे के लायक नहीं है, ये किसी को दिशा नहीं दिखा सकते, किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन वो कहता है जिनको सदा के काल के तक घोर अंधकार के लिए रखा है, लेकिन जिसका मतलब है यहूदा कहता है जिस प्रकार से इन तारों को घोर के अंधकार के लिए रखा गया है, इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों को उस
नर्ग के लिए ठहराया गया है, उस नर्ग के अंधकार के लिए ठहराया गया है मेरे प्रियो। इसलिए आप देखते हैं 12 और 13 वचन में यहूदा कई सारे उदाहरणों को ला रहा है, क्या करने के लिए, इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों के चरित्रहीनता, इनकी दुष्टता का वर्णन करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि इनकी चरित्रहीनता है क्या, इनके दुष्टता कैसी है, उसको दिखाने और दर्शाने के लिए यहूदा 12 और 13 में कई सारे उदाहरणों का प्रयोग करता है, जैसा हमने अभी देखा, जैसा हमने देखा कि वो कहता है कि वो तुम्हारे प्रेम भोज में दाग और धब्बों के समान हैं, वो उन पत्थर छुपे हुए पत्थरों के समान हैं, वो ऐसे बादल हैं जिनमें कोई पानी नहीं, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, वो पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो मर चुके हैं, जिनकी जड़ से उखाड़ दिए गए हैं, वो समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं, और आखिर में यहूदा कहता है वो डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल का घोर अंधकार रखा गया है। मेरे प्रियो, इन उदाहरणों के द्वारा 12वें और 13 वचन में यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों के चरित्रहीनता, दुष्टता का वर्णन करता है। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे, 14 और 15 वचन में वो बात करता है, यहूदा बात करता है परमेश्वर की न्याय की, वो उस परमेश्वर का न्याय जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं, जो इन झूठे शिक्षकों के ऊपर उतरेगा। मेरे प्रियो, 14 और 15, आइए 14 और 15 पढ़ ले। हनोक ने भी, जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। अब 14 और 15 में मेरे प्रियो, जैसा मैंने बताया, यहूदा बात कर रहा है परमेश्वर के न्याय की, जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं को के लिए परमेश्वर करेगा, या परमेश्वर का न्याय जो इन झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर उठेगा। अब हमें देखना है कि यहाँ पर वो एक उदाहरण देता है इनोक का या हनोक का। मुझे समझाना होगा आपको कि हनोक के विषय में अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय में लिखा गया है, और इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में भी हनोक के विषय में लिखा है। लेकिन हमें यह भी समझना है कि हनोक की एक किताब भी है जिसको हम परमेश्वर की ओर से दी गई प्रेरणा में नहीं लिया गया, इस कारणवश वो हमारे बाइबल में वो किताब नहीं है। लेकिन हमें यह समझना है कि जब यहूदा हनोक का उदाहरण दे रहा है तो वो कुछ नया नहीं बता रहा है, लेकिन वो उसी चीज को दोबारा से महत्व के संग, या दोबारा से हमारा ध्यान उस बात के ऊपर खींचना चाहता है जो बाइबल पहले से ही जिस चीज की शिक्षा दे रही है। और इसी प्रकार से पौलुस प्रेरित ने भी कई सारे उदाहरणों का प्रयोग, अगर आप पढ़ेंगे उसकी पत्रियों में, किया है। कई बार वो उदाहरणों को लाता है पुराने नियम से, लोगों के जीवनों से। क्यों? क्योंकि वो इस बात को कुछ नई शिक्षा नहीं दे रहा है, लेकिन वो जो शिक्षा पहले से ही व्यवस्था में या बाइबल में है उसके ऊपर वो जोर डालना चाहता है, हमारा ध्यान खींचना चाहता है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर हम देखते हैं 14 और 15 में लिखा है, टू कन्विक्ट ऑल हु आर अनगॉडली। यहूदा इस बात पर हमारा ध्यान खींचना चाहता है, या हमारा जोर देना चाहता है कि वो लोग जो आभक्ति में भरे हैं, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर आ रहा है कि उनका न्याय करें। टू एग्जीक्यूट जजमेंट ऑन ऑल, मेनी पीपल टेक जजमेंट ऑफ गॉड लाइटली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड इज, विल गॉड जज मी? एम आई अकाउंटेबल टू हिम? If we are truly accountable to God, we are fools if we do not prepare to face the judgment. मेरे प्रियो, 14 और 15 में यहूदा बात करता है एक न्याय का, परमेश्वर के दंड का या न्याय का, जो उन लोगों के ऊपर उतरेगा जो जिनके अंदर कोई भक्ति नहीं है, जो दिखावे की भक्ति करते हैं, आ भक्ति से भरे हुए हैं। और इसलिए वो कहता है कि क्या हम, वो हमारा जोर इस बात पर देना चाहता है, खास रीति से आज की शाम हम सब के लिए भी ये बात हमारे जीवनों में भी लागू होती है। इस बात पर यहूदा जोर दे रहा है कि हाँ, हमारे मसीह जीवन की सच्चाई तो यही है, और संसार भी यही सवाल पूछ रहा है, क्या न्याय होगा,
हाँ मेरे प्रियो, न्याय होगा। और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, परमेश्वर न्याय करने के लिए बहुत जल्द आ रहा है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या आप और मैं उसके न्याय के लिए तैयार है? क्या आप और मैं उसके न्याय का सामना करने के लिए तैयार है? क्योंकि ये तो मूर्खता होगी अगर हम अपनी दुष्टता में, अपनी चरित्रहीनता में, अपने बुराई में बने रहें और कहें कि नहीं, मेरा न्याय नहीं होगा, जानते हुए भी अगर हम अनजान बने, तो ये मूर्खता है मेरे प्रियो। और इसलिए आज की शाम 14 और 15 में यहूदा क्या कर रहा है, वो बताता है कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों का न्याय होगा और इनका न्याय करने के लिए खुद परमेश्वर स्वर्ग से आ रहा है मेरे प्रियो। और ये संदेश हम सबके लिए है, क्या मैं और आप, क्योंकि न्याय तो होना है मेरे प्रियो, हमारे जीवनों की सच्चाई तो यही है कि हमारा भी न्याय होगा, लेकिन हम क्या, सवाल ये है, क्या आप और मैं न्याय के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं उसके दूसरे आगमन के लिए, या दूसरे शब्दों में क्षमा करिए, कलीसिया के उठाए जाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं मेरे प्रियो, तो ये आपके लिए, आप भी पौलुस की तरह कहेंगे, मेरा जीना मसीह और मरना एक लाभ है। हालेलुया। उसके बाद 16वें से 18वें वचन में यहूदा की पत्री, उसका 16, 17 और 18 में यहूदा बात करता है कुछ तौर तरीकों का, कुछ तरीकों का जिनका पालन या जिनका प्रयोग ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक करते हैं मेरे प्रिय। 16, 17 और 18वें वचन में यहूदा की पत्री में यहूदा बात करता है उन तौर तरीकों की जिनका प्रयोग ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक करते हैं। आइए 16, 17 और 18 पढ़ लें। अगर आपका बाइबल आपके पास है, जब मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, आप भी ये पढ़िए और मिलाइए कि क्या वचन सही है या नहीं, क्या वचन में ये लिखा है या नहीं। 16वां वचन, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। 17वें वचन, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुम्हें, तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी आभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। 16, 17 और 18वें वचन में verse 16, 17 and 18 Jude talks about certain methods that these false teachers follow or use. 16, 17 और 18वें वचन में यहूदा बात करता है कुछ तौर तरीकों की, कुछ बातों की, जो ये झूठे शिक्षक और भविष्यवक्ता जिनका प्रयोग करते हैं। 16वें में लिखा है कि ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले हैं। दे आर ग्रम्बलर्स, कंप्लेनर्स, देयर माउथ ग्रेट स्वेलिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग पीपल। यहूदा जब आप देखेंगे तो 16वें वचन में कह रहा है, ये कैसे लोग हैं, ये असंतुष्ट लोग हैं, ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं और ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग हैं और वे अपने मुंह से घमंड की बातों को बोलने वाले हैं और ये लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं, यानी मक्खन लगाना, उन तरीकों की बातों को करते हैं। तो यहाँ पे इट हैज राइटली बीन ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर अ मैन गेट्स आउट ऑफ टच ऑफ विद गॉड, ही इज लाइकली टू बिगिन कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। Let me repeat that for all of us. It has rightly been observed that whenever a man gets out of touch with God, he is likely to begin complaining about something. और ये बड़ी सच बात है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो वह किसी ना किसी बात की शिकायत करने लगता है। इसी प्रकार से यहूदा कहता है, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक, ये कौन हैं? ये कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले, असंतुष्ट लोग हैं। ये कैसे लोग हैं? कई सारी बातों को वो कहता है, ये मक्खन लगाने वाले लोग हैं, अपने मुंह से ऐसी बातों को करते हैं जो दूसरों को सामने प्रसन्न करे। लाइक फ्लैटरिंग पीपल, दी सर्टेन मैन न्यू हाउ टू यूज स्मूद फ्लैटरिंग वर्ड्स टू गेट एन एडवांटेज ओवर अदर पीपल। इन झूठे भविष्यवक्ताओं को, इन शिक्षकों को पता है कि कैसे मक्खन लगा के बातों को बोलना है ताकि वो दूसरों का लाभ उठा सके। मेरे प्रियो, आज के दिन अगर आप
YouTube में, Facebook में, Instagram पे अगर ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं शिक्षकों को देखते हैं, क्या ये ऐसी बातों को नहीं बोलते जो सुनने में, जो कान को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन आपको और वचन से अगर उस बात को मिलाएं तो वचन की बिल्कुल अलग होगी, है ना। मेरे प्रियो, मैं उन शिक्षाओं के विषय में बात नहीं करना चाहता क्योंकि आज के समय वो हमारा अध्ययन का भाग नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बात करूंगा आपसे कि ये कैसी शिक्षाओं को देते हैं। उदाहरण के तौर पे झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे शिक्षक समृद्धि के सुसमाचार को करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करो सब कुछ सही हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, कर्जा खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करो चंगे हो जाओगे। मेरे प्रियो, विश्वास करना अच्छी बात है, चंगाई भी परमेश्वर करता है, हाँ परमेश्वर आर्थिक रूप से भी आशीष देता है, लेकिन कई बार वो नहीं भी करेगा। क्या परमेश्वर चंगा ना करे तो वो आपका परमेश्वर नहीं है? क्या परमेश्वर आपको अगर आर्थिक रूप से आशीष ना दे तो वो आपका परमेश्वर नहीं है? मेरे प्रियो, ये गलत शिक्षा है। ये ऐसी शिक्षाओं के, समृद्धि के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, चंगाई के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अति अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं कि तुम कुछ भी करो परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन जीना है, हम जवाबदेह हैं परमेश्वर को, ऐसी झूठी शिक्षाओं से हमें बच के रहना है। इसलिए ये क्या करते हैं झूठे भविष्यवक्ता, ये ऐसी मक्खन लगाने वाली बातों का प्रयोग करते हैं ताकि लोगों के ऊपर उनका लाभ उठा सकें। लेकिन उसके बाद यहूदा क्या कहता है 17वें वचन में, वो 17वें वचन में कहता है, बट यू बिलवड रिमेंबर, बट हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो। लेकिन यहूदा यहां पर हमें चुनौती देता है मेरे प्रियो कि हाँ, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, ऐसे झूठे शिक्षक आज के दिन है जो YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से इन बहलाने फुसलाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं, जो प्रसन्न करने, कानों को प्रसन्न करने वाली बातों का प्रचार करते हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, यहूदा कहता है स्मरण करो, याद रखो उन झूठी उन सच्ची शिक्षाओं को जो हमें प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर के वचन से प्राप्त हुई हैं। इसी बात को वो 17वें वचन में कहता है, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें समझना है कि ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षकों का क्या गुण है, ये क्या तौर तरीके हैं इनके। वो कहता है 16वें वचन में, वो कहता है ये असंतुष्ट लोग हैं। पहला, ये कैसे लोग हैं? ये असंतुष्ट लोग हैं, इनमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये असंतुष्ट हैं, ये कुड़कुड़ाने वाले हैं, ये शिकायत करने वाले लोग हैं, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, ये अपनी अभिलाषाओं के अनुसार स्वार्थी लोग हैं, इसलिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, ये अपने मुंह से घमंड की बातों को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आप पूछेंगे, कैसे बोलते हैं कि मैंने चंगा किया, मैं हाथ रख करके करूंगा तभी होगा, मैं हाथ रख करके प्रार्थना करूंगा तभी चंगाई आएगी। मेरे प्रियो, कितनी बार यीशु मसीह ने हाथ रख करके चंगा किया? मेरे प्रियो, उसने बोला और वो चंगे हो गए, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज की शाम किसी के हाथ रखने से चंगाई नहीं आती। मैं हाथ रखने को गलत नहीं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, अगर हमारे पासवान, हमारे अगवे आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई झूठे, कोई शिक्षक, कोई भविष्यवक्ता, कोई प्रचारक ये कहे कि मेरे हाथ रखने से चंगाई आती है, तो आप समझ जाइए वो झूठा शिक्षक है, क्योंकि चंगाई देने वाला तो परमेश्वर है मेरे प्रियो। कोई आपसे ये कह दे मैं तेरे लिए नाम लेकर के प्रार्थना करूंगा, क्या आपका नाम परमेश्वर नहीं जानता है? उस व्यक्ति से अच्छा नाम आपका परमेश्वर जानता है। यरेमिया की पुस्तक में है कि तेरे मां के गर्भ में, तेरे पैदा होने से पहले ही मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे जान लिया और तेरे नाम लेकर मैं तुझे पुकारा है। मेरे प्रियो, इन सारे भरमाने वाली बातों से, मक्खन लगाने वाली बातों से, खुश करने वाली बातों से दूर रहिए, क्योंकि ये झूठी शिक्षाएं हैं। ये क्या करते हैं? ये मुंह से घमंड की बातों को बोलते हैं और वो लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं, यानी अपने लाभ के लिए मुंह से आपकी बड़ाई करेंगे। वाह वाह, आप तो बहुत ही बढ़िया हो, आप बढ़िया भेंट लेकर के आ रहे थे, आपकी बढ़िया बढ़ाई करेंगे, अरे तुम जैसा कोई नहीं। मेरे प्रियो, इन बातों से बच के रहिए, क्योंकि ये इनके तौर तरीके हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के। और 17वें वचन में यहूदा कहता है, लेकिन हे प्रियो उन प्रेरितों की शिक्षाओं को याद रखो जो उन्हें हमें पहले से ही मिली है। और आज की शाम मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूँ मेरे प्रियो, उस बाइबल के वचन को आप याद रखिए जो परमेश्वर के द्वारा, उसके प्रेरितों के द्वारा, उसके चेलों के द्वारा, पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर हमारे को प्राप्त हुआ है। उस वचन के द्वारा चलिए, हरे
एक बात को जो सिखाया और बताया जाता है, जिसको आप यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, उसको वचन से मिलाइए। अगर वो वचन के अनुसार सही है तो चलिए, नहीं है तो वो चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा शिक्षक हो, उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो झूठा शिक्षक है और ये आपको अंधकार में अपने साथ लेकर के जाएंगे। मेरे प्रिय, 19वें वचन में बात करता है यहूदा इन झूठे शिक्षकों, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के आत्मिक पद की या आत्मिक स्थान की। मेरे प्रियो, कि आत्मिक रीति से इनका क्या हाल होगा, या आत्मिक रीति से इनकी क्या परिस्थिति है। आइए हम जरा पढ़ लेते हैं 19वें वचन को। 19वें वचन में इस प्रकार लिखा है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। समझ गया मेरी बात को? अब बात हो रही है आत्मिकता की। अगर आपको पहचानना है झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक कौन है, तो आप ये सारी बातों को चिन्ह में देखिए, जो मैंने 16वें वचन में बताया कि ये कैसी बातों को करते हैं। ये असंतुष्ट लोग हैं, ये कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आप कितना भी इनसे कुछ कह दे, इनसे कितने भी किसी भी बात को लेकर ये संतुष्ट नहीं होते। ये कैसे लोग हैं? कुड़कुड़ाने वाले, शिकायत करने वाले, ये घमंड की बातों को करने वाले लोग हैं। अपने मियाँ मिट्ठू हैं, जैसे हिंदी में कहावत है मियाँ मिट्ठू, मुंह से बड़ाई करने वाले, मक्खन लगाने वाले लोग हैं ताकि लोगों का फायदा उठा सके। और 19वें वचन में हम इनके आत्मिक पद को देखते हैं कि इनका आत्मिक स्थान है क्या। यहूदा कहता है ये वो है जो फूट डालते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या करते हैं? ये फूट डालने वाले लोग हैं, ये झूठे शिक्षक, ये झूठे भविष्यवक्ता। अपनी कलीसियाओं को कैसे खड़ा करते हैं? चार विश्वासी वहां से लिए और वो विश्वासी बेचारे अपनी कलीसिया छोड़कर इनके पास जा रहे हैं। मैं इसलिए आज की शाम उन विश्वासियों से भी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आप उन लोगों में से, मेरे प्रियो, आपका चंगाई, आपका छुटकारा वहां है जहां परमेश्वर ने, जिस कलीसिया में आपको रखा है। परमेश्वर की उस कलीसिया में बने रहिए और जड़ पकड़े रहिए। मेरी याद रखिए, वो सामर्थ जो पुनरुत्थान का सामर्थ आपके पास भी उतना ही है जितना एक भविष्यवक्ता, जितना एक प्रचारक के पास है। अंतर आता है सिर्फ विश्वास में और भरोसे पर। अगर आप आज के दिन, आज की शाम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, विश्वास रखेंगे और आज के दिन अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस बात को करके दिखाएगा। आपको किसी बड़े भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी, आप अगर लखनऊ में हैं तो लखनऊ से 1000 किलोमीटर दूर जाकर हाथ रखवा कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपका छुटकारा आपके उस कमरे में मिलेगा जहां आप अपने घुटनों पर आकर हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहोगे, प्रभु मेरी मदद कर। 19वें वचन में कहता है ये फूट डालने वाले लोग हैं, ये झूठे भविष्यवक्ता, ये झूठे शिक्षक। इनका काम क्या है? फूट डालना। ये कलीसियाओं में फूट डालते हैं ताकि लोग दूसरी कलीसिया, अपनी कलीसियाओं को छोड़कर इनके वहां भीड़ जमा हो जाए। और ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रियो, लोग अपनी कलीसियाओं को छोड़ इनके वहां जमा हो जाते हैं हर रविवार को। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर देख लिया, एक व्यक्ति चलने लगा, चंगा हो गया। लेकिन उसकी कितनी, उस चंगाई में सच्चाई कितनी? मैं ये नहीं कहता कि अगर वहां पर चंगाई नहीं हो रही है, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हो सकता है वहां चंगाई हो रही हो, लेकिन क्या आपको पता है शैतान भी चंगा कर सकता है? मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उठा करके देख लीजिए, उसमें लिखा उन दिनों में मसीह विरोधी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। झूठे भविष्यवक्ता, शैतान भी चमत्कारों को कर सकता है। इसलिए बड़े सावधान रहिए मेरे प्रियो, ये फूट डालने वाले। उसके बाद वो कहता है ये कैसे लोग हैं? ये शारीरिक लोग हैं, ये शरीर के अनुसार जीते हैं। ये इनकी जो शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो इन्हें अच्छा लगता है करना, वो उस शरीर के अनुसार जीना चाहते हैं, ना कि आत्मा के अनुसार। उसके बाद वो कहता है, देखिए आगे उसने इसी चीज को यहूदा ने कहा, जिनमें आत्मा नहीं। क्या यहूदा ये कह रहा है इनके पास सिर्फ शरीर है लेकिन अंदर इनके पास नहीं है? वो ये कह रहा है इनके पास शरीर भी है, प्राण भी है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा इनके पास नहीं है। मेरे प्रियो, इनके पास शरीर भी है, प्राण भी है, और ये कहने के लिए बड़े बड़े प्रचारों को करते हैं, लेकिन इनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। और इसलिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा नहीं है, ये शरीर से चलने वाले लोग हैं, शरीर को जो अच्छा लगता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, और फूट डालने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आइए आगे हम जल्दी जाएंगे 20 और 21 वचन में। 20 और 21 में हम देखेंगे, 20 और 21 वचन में यहूदा हमसे बात कर रहा है, विश्वासियों से,
कि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हमें अपने भीतर देखने की जरूरत है। आइए इस 20 और 21 को हम पढ़ लेते हैं। 20वें वचन में इस प्रकार यहूदा कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तो 20 और 21 में अब यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों के विषय में उसने हमें सब कुछ बता दिया। अब वो अपनी पत्री को समाप्त करने की ओर है और इसलिए अब उसका ध्यान या उसके सबसे जरूरी बात की ओर वो हमारे ध्यान को खींचना चाहता है। और सबसे जरूरी बात क्या है? वो कहता है तुम अपने आप को खोजो, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। वो क्या कहता है? कीप योर सेल्व्स इन द लव ऑफ गॉड। हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। लेकिन इन सारी बातों में सबसे बढ़कर यहूदा क्या कहता है? क्या है सबसे जरूरी? ये है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो, बढ़ते चले जाओ। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो मेरे प्रियो। उसके बाद वो क्या कहता है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। अगर झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठी शिक्षाओं से, धोखा देने वाली शिक्षाओं से, भरमाने वाली आत्माओं से अगर आपको बचना है मेरे प्रियो, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। उसके बाद वो कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। कीप योर सेल्व इन द लव ऑफ गॉड। मुझे और आपको परमेश्वर के प्रेम में खुद को बनाए रखना है। और जिस प्रकार पहला कुरंथी और 13वें अध्याय में लिखा है कि अंत में ये तीन रह जाती हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, और इनमें सबसे बड़ा क्या है? इनमें सबसे बड़ा प्रेम है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है ताकि परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहे। जिस प्रकार यूहन्ना का सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है तुम मुझ में बने रहो ताकि मैं तुम में बना रहूं और तुम बहुत सफल लाओ। हालेलुया, हम उसके प्रेम में बने रहें। उसके बाद यहूदा हमें प्रेरित करता है कि हमें क्या करना है? अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अनंत जीवन की जो बाट प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है उसको हमें जोते रहना है। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो जल्दी से हम आएंगे 22 और 23 वचन में। पहले 20 और 21 वचन में यहूदा क्या कर रहा है? हमें ये प्रेरित कर रहा है कि हम आत्मिक रीति से, अंदरूनी रीति से, अंदरूनी तौर से अपने आप को जांचें और परखें। और अंदरूनी रूप से कहां अपने आप को मजबूत करें? हम अपने आप को अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करें, अपनी आत्मा में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें और परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखें। और चौथी बात, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहें। ये चारों बातें आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं, अंदरूनी तौर से जुड़ी, हमारे अंदरूनी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। कौन सी चार बातें? 20 और 21 में वो कहता है हमारा पवित्र विश्वास, हमारा पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, और तीसरा वो कहता है परमेश्वर का प्रेम, और चौथा वो अनंत जीवन। इन चार बातों के लिए हमें खुद को इन चारों बातों में आगे बढ़ाना है और इनमें बड़े रहना है। और ये चारों बातें क्या है? अंदरूनी तौर से, आत्मिक तौर से बात करती हैं। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 22 और 23वें वचन में वो बात कहता है जो बातें बाहर से जरूरी हैं। वो कहता है टेक अ लुक आउटवर्ड, यानी बाहर से कुछ बातों को भी देखना जरूरी है, अंदर से भी कुछ बातों को देखना और उनका ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनको बाहरी रूप से भी देखना जरूरी है। वो बातें क्या हैं? 22 और 23 पढ़ते हैं, उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। हालेलुया। यानी पहले हमें क्या करना है? पहले हमें खुद अंदरूनी या आत्मिक रीति से खुद को मजबूत करना है। जब हम आत्मिक और अपने आत्मिक व्यक्तित्व में मजबूत हो जाएंगे तब हम शारीरिक रूप से आगे बढ़कर, वो कहता है 22 और 23 में हमें क्या करना है? जो शंका में है यानी जो डाउट करते हैं उन पर दया करो। उसके बाद वो कहता है वे जो आग में, बहुत को आग में से झपट करके निकालो, यानी वे जो उस नर्क की आग की ओर बढ़ रहे हैं या उस नर्क की आग की ओर है, तुम क्या करो? उस नर्क की आग से उन्हें बाहर निकालो मेरे प्रियो।
इसकी किसकी जिम्मेदारी है? ये मेरी और आपकी। तो जितना ज़रूरी हमारा आत्मिक या अंदरूनी तौर से खुद को परिपक्व बनाना है, खुद को मजबूत रखना है, उतना ही बाहरी रूप से भी हमने कुछ बातों को करना है। क्या करना है? पहली बात, वे जो डाउट करते हैं, संदेह करते हैं परमेश्वर पर, उन पर दया दिखाना है, ताकि हमारी दया दिखाने के द्वारा वो परमेश्वर को जाने, उसके प्रेम को चखने पाए। और वे जो आग की ओर यानी नाश होने के लिए नर्क की ओर बढ़ रहे हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। कैसे? परमेश्वर का सुसमाचार उनकी ओर, परमेश्वर का प्रेम दिखाने के द्वारा। और अंत में वो कहता है, उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित किया गया हो। मेरे प्रिय, और इस प्रकार यहूदा 22 और 23 को ख़त्म करता है ये कहते हुए, 20 और 21 में वो कह रहा है, अंदरूनी रीति से हमें आत्मिक रीति से परिपक्व मजबूत होना ज़रूरी है। जब हम आत्मिक रीति से मजबूत हो जाएंगे, तब 22 और 23 वर्ष में जो बातें लिखी हैं वो हम करेंगे। हम दूसरों को जो शंका में हैं उन पर दया करना है, वे जो नर्क की आग में बढ़ रहे हैं उन्हें नर्क की अग्नि से बचाना है, बहुतों पर भय के साथ दया हमें दिखानी है, और उन बातों से भी दूर रहना है जो हमें कलंकित कर सके, या उन बातों से, उन तौर तरीकों से हमें दूरी बना करके चलना है जो हमें दूषित कर सके या अपवित्र कर सके। मेरे प्रियो, अंत में हम यहूदा के 24 और 25 वचन में, अंत में यहूदा आशीष वचन के साथ या अपने अंतिम आशीर्वाद के संग इस पत्री को समाप्त करता है। 24 और 25 वचन में वो ये कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से ही है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। 24 से 25 देखिए, तीन चीजें बड़ी रोमांचित करने वाली, बड़ी अद्भुत रीति से यहूदा लिखता है। 20 और 21 में क्या हो रहा है? हमें अंदरूनी रूप से अपने आप को आत्मिक रूप से मजबूत करना है। 22 और 23 में क्या हुआ? बाहरी रूप से, अगर हम 20 और 21 में जो है वो आत्मिक रीति से अगर हम मजबूत हैं और बढ़ रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, तो हम 22 और 23 में जो लिखा है यहूदा कहता है वो बातें हमें करनी हैं। और जब 22 और 23 यानी पहले हमें क्या करना है, 20-21 में अपने अंदरूनी व्यक्तित्व को मजबूत करना है, आत्मिक रूप से मजबूत होना है, अंदर देखना है। और 22 और 23 में वो क्या कह रहा है, बाहर की ओर देखना है, यानी बाहर भी हमें परमेश्वर के प्रेम को, जो आत्मिक रीति से हम बढ़ रहे हैं, उस आत्मिक उन्नति को हमें बाहर लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक प्रभु यीशु मसीह को पहुंचाना है। 22 और 23 में बाहर देखना है, और 24 और 25 में वो क्या कह रहा है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। समझ में आया आपको? पहला 20 और 21 में अपने अंदर झांको, 22 और 23 में जब अंदर झांक करके तुम परिपक्व हो जाओगे आत्मिक रूप से, तो बाहर देखो, पहले अंदर देखो फिर बाहर देखो, और वो बाहर चीजों को बदलो। और अंत में 24 और 25वें वचन में वो कहता है, परमेश्वर की ओर देखो या ऊपर देखो। मेरे प्रियो, अपना अंतिम आशीर्वाद में वो कहता है, नाउ टू हिम हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग एंड टू प्रेजेंट यू faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. मेरे प्रियो, यहाँ पर वो ये कहते हुए यहूदा अपने पत्री को ये कहते, एक बड़ी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी पत्री को समाप्त करता है। वो ये कहता है, हु इज एबल, जो तुम्हें ही हु इज एबल टू कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग एंड टू प्रेजेंट यू फॉल्टलेस। वो कहता है, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष कर खड़ा कर सकता है। यहूदा का संदेश हम सब के लिए एक चेतावनी है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि हम निराश हैं, हम अप्रोत्साहित हैं, और हो सकता है हम भी आज के दिन, हमारी इर्द गिर्द भी झूठी शिक्षाएं बड़ी बढ़ती जा रही हैं, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहूदा हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमारी इन सारी झूठी शिक्षाओं, इन सारी निराशाओं, इन सारे अप्रोत्साहन को या अपने इर्द गिर्द होती बातों को देखकर हम बड़े निराश हो गए हैं आज की शाम,
लेकिन यहूदा इस बात को याद दिलाता है, सारी बातों का उत्तर उस परमेश्वर में है। हालेलुया। वो जब परमेश्वर का सामर्थ्य में हमें अपने उत्तर मिलेंगे। हालेलुया। वो कहता है ही इज एबल टू कीप यू एंड यू आरंट एबल टू कीप योरसेल्फ। ये कहना चाहता है वो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, क्योंकि तुम खुद अपने आप ठोकर खाने से नहीं बच सकते। वो लिखता है 24वें अध्याय में, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, यानी मैं और आप खुद ठोकर खाने से नहीं बच सकते, लेकिन वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। तो आप कितने भी निराश आज की शाम क्यों ना हो, आप कितने भी चोट खाए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, आपके पास भी ये सवाल हो सकता है, प्रभु इतनी दुष्टता बढ़ती जा रही है, झूठे शिक्षक शिक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, ओ दुष्टता बढ़ती जा रही, तू कब उत्तर देगा? मेरे प्रियो, इन सारी बातों का उत्तर ये है कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति को हम देखेंगे जब हम उसकी ओर प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएंगे, क्योंकि वही हमें निर्दोष खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हम उस अपनी आँखों को उसकी ओर लगाएं मेरे प्रियो, जिस प्रकार भजन लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखों को उन पर्वतों की ओर उठाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि मेरी सहायता वहां उस यहोवा से आती है। और इसलिए मेरे प्रियो, अंत में वो कहता है 25वें वचन में, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होते रहे। एक बड़ी स्तुति की घोषणा यहूदा अपने अंतिम वचन में करता है, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता। यहाँ पर भी हम त्रिएक परमेश्वर के काम को देख रहे हैं मेरे प्रियो। वो कहता है उस एकमात्र परमेश्वर की उद्धार की महिमा और गौरव और पराक्रम का अधिकार हमारे प्रभु यीशु के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन। एक बड़ी स्तुति और प्रशंसा की घोषणा अंतिम दो वचनों में यहूदा करता है। क्या करने के लिए? हमें ये प्रेरित करने के लिए, हमें ये उत्साहित करने के लिए कि हम अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाएं, परमेश्वर की ओर उठाएं। 20 और 21 में वो कहता है, अपनी आँखों को अंदर की ओर, अपने आप को जांचो और आत्मिक उन्नति, आत्मिक रूप से परिपक्व बनो। 22 और 23 में वो कहता है, बाहर की ओर देखो और जो आग में जा रहे हैं उनको परमेश्वर की ओर खींच ला, उन पर दया करो। और 24 और 25 में वो कहता है, परमेश्वर की ओर देखो, पहले अपने ओर अपने आप को देखो, उसके बाद बाहर देखो, और अंत में 24 और 25 को कहता है, सबसे बढ़कर परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। आज की शाम मेरे प्रिय, मुझे पूरी आशा है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सब आशीषित हुए हैं। और समय की कमी की वजह से मुझे आज की शाम थोड़ा जल्दी इस अध्ययन में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, हम आप सवाल को कमेंट्स के द्वारा के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वे जो लाइसिंग असेंबली कलीसिया के सदस्य आप, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे बात करके किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि ये छोटा सा बाइबल अध्ययन आपके लिए एक आशीष का कारण बना है। मेरी प्रार्थना यही है, जैसे हम इस आधुनिक समय में जी रहे हैं, हम झूठे भविष्यवक्ताओं, झूठे शिक्षकों, धोखा देने वाले, जैसा यहूदा लिखता है, इन धोखा देने वाले लोगों से बचे रहें और अपने ध्यान को, अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। और वो हम कैसे करेंगे? जब हमारा ध्यान उसकी वचन की ओर होगा। हालेलुया। आइए एक प्रार्थना को हम करें। प्रभु जी, आज की शाम हम धन्यवाद देते हैं यहूदा की पत्री पर आपके एक अध्ययन को करने के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप हम सब की सहायता करिए, ताकि हम प्रभु अपनी आँखों को आपकी ओर लगाएं, और प्रभु हमें वो परख का आत्मा दीजिए, ताकि हम झूठी शिक्षाओं और शिक्षकों भविष्यवक्ताओं से बच कर रहें, और जहाँ आपने हमें ठहराया है वहाँ जड़ पकड़े और प्रभु आपके वचन से सीखें और आत्मिक रूप से परिपक्व होकर बढ़ते चले जाएं। जिस प्रकार अंतिम पदों में यहूदा लिखता है, प्रभु हम अपने विश्वास में, प्रेम में और अपने आत्मिक उन्नति करते चले जाएं, पवित्र आत्मा में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम दूसरों को जो आपको नहीं जानते उनको आपकी ओर खींच लाएं, और अंत में हम सब मिलकर आपकी ओर देखें। प्रभु एक बार फिर से प्रभु, आज की शाम आप उन सबको आशीषित करिए जो इस बाइबल अध्ययन का भाग बने, और प्रभु होने दे आपका पवित्र आत्मा अपने सेवा को उनके बीच करने पाए। एक बार फिर से सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, आप सभी को शुभ रात्रि, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, सबको जय मसीह की।